देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति लेकर के आया है हरियाणा विधानसभा का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। हरियाणा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के नतीजे पर तय होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब तक बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो नरेंद्र मोदी के पास कब तक रहेगा, ये पूरा जो प्रोसेस है ये हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड चुनाव के नतीजों पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे में हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ठीक कहां पर खड़ी है? क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 की तरह इस बार कांग्रेस को मात दे पाएगी, या कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा ही साफ कर देगी? नतीजे जो हैं, जो रुझान है, जो ओपिनियन पोल है, जो सर्वे रिपोर्ट है, हर तरीके से ये कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को एज है। हरियाणा में कांग्रेस जो है वो बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देश नीति का सबसे सटीक ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको बतलाएंगे कि हरियाणा में हर एक विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी किसे पछाड़ती हुई आगे निकल रही है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या हारेगी, कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, इसका पूरा असर महाराष्ट्र चुनाव पर होगा। और महाराष्ट्र चुनाव में जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, जो जीतेगा वही दिल्ली चलाएगा। ऐसे में चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि इस बार मैदान में कौन कौन सी पार्टी का मुकाबला है, आमने सामने कौन कौन सी पार्टी है। 90 सीटों पर हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है, इसमें सबसे मुखर होकर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जिसके साथ मजबूती के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 2019 में हरियाणा चुनाव में सरकार बनाई थी हरियाणा चुनाव के बाद, और तमाम अन्य पार्टियां जो है नजर आ रही हैं। फिलहाल 2019 के नतीजे पर एक बार गौर करते हैं। बीजेपी 90 में से 40 सीटें जीत पाई थी, कांग्रेस 31 सीटें, यानी कि कांटे का मुकाबला है। इस बार सिर्फ 9 सीटों का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। 9 सीटों के अंतर से बीजेपी पिछली बार सरकार बनाई थी, साथ में जेजेपी का भी साथ मिला था, लेकिन इस बार जेजेपी बीजेपी का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी 40 सीटों पर थी, कांग्रेस 31 सीटों पर थी, आम आदमी पार्टी 0, जेजेपी के खाते में 10 सीटें गई थी और अन्य के खाते में 9 सीटें। अब इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के 4 तारीख को नतीजे घोषणा होने के बाद पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। बीजेपी अब बीजेपी नहीं, एनडीए सरकार बन गई है। बीजेपी जो है उन्हें नीतीश और नायडू के सहारे चलना पड़ रहा है। मोदी को हरियाणा चुनाव से पूरी तरीके से दूर रखा गया, क्योंकि पहलवान, जाट समाज, किसान जो है बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ गुस्से में है। तो अब देखते हैं, एक एक कर विधानसभा चुनाव पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सिरसा की। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 5 सीटों पर विधानसभा का चुनाव है, जिसमें देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी, जेजेपी कोई भी खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पर अन्य के खाते में यानी आदर्श के खाते में 1 भी सीट नहीं जाएगी, यानी सिरसा में भारतीय जनता पार्टी 1 और कांग्रेस, यहां पर कांग्रेस को एज है। कांग्रेस जो है यहाँ पे कम से कम 3 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीटें जाने की, 1 सीट जाने की संभावना है। वो कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अच्छे तरीके से, सही उम्मीदवार उतार पाती है, तो ये सीट जो है, 1 सीट सिरसा की, 1 सीट जो है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, अदरवाइज वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। 4 सीटों पर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, 4 सीटें हैं यहां पर, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, यानी
कांग्रेस जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र में शुरुआती दौर है ये, जहां पर हम सिर्फ सिरसा की बात की है, और इसके बाद महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को एज है, यहां कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी 0, जेजेपी 0 और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हिसार की। हिसार के 7 सीटों पर चुनाव है, हिसार जो विधानसभा क्षेत्र है 7 सीटों पर यहां चुनाव है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी हिसार में भी कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाई हुई है। अब नूह की बात करें, नूह विधानसभा क्षेत्र में 3 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी यहां पर खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी जो है यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई है। उम्मीदवार की सूची की बात की जाए तो यहाँ पर उम्मीदवार बीजेपी ने जो उतारा है उसके मुताबिक नू के 3 सीटों पर बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं पाएगी। कांग्रेस के खाते में 3 में से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 0, जेजेपी 0 और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। अगर रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों रेवाड़ी की बात की जाए तो जेजेपी के जो वोटर्स हैं, जेजेपी पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी के साथ पिछले बार गए थे, जेजेपी गठबंधन के साथ पिछले बार गए थे, वो वोट जो है इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास ट्रांसफर होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब गुड़गांव की बात की जाए तो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की 4 सीटों पर चुनाव है, जहां बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, यानी यहां पर 50-50 का मुकाबला है। वहीं दोस्तों कैथल की बात करें तो 4 सीटों पर इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है कैथल, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में कि अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन अच्छा करती है, उम्मीदवार अच्छा उतारती है, तो कैथल में आम आदमी पार्टी को भी एज 1 सीट के लिए एज जो है आम आदमी पार्टी के पास है। तो बीजेपी के पास 1 सीट है, कांग्रेस के पास 2 से 3 सीटें, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस को यहां पर डेंट लग जाएगा 1 सीट का। वहीं करनाल की बात करें तो करनाल की 5 सीटों पर चुनाव है, करनाल विधानसभा क्षेत्र में 5 सीटें हैं जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट। आप दोस्तों आपको पता होगा कि खुद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये क्षेत्र है जहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन फिर भी करनाल में प्रदर्शन बीजेपी का अच्छा नहीं है, वहां की जनता नाखुश है, नाराज है और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। करनाल की बात करें तो बीजेपी के खाते में महज 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 पर है। पानीपत की बात की जाए तो पानीपत विधानसभा क्षेत्र की 4 सीटों पर चुनाव है और 4 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों वही सोनीपत की बात की जाए, सोनीपत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सोनीपत जो है ये पूरी तरीके से किसान बेल्ट है, इसे फार्मर बेल्ट कहा जाता है, किसान बेल्ट है, जितने भी हरियाणा राइस इंडस्ट्री है वो इसी बेल्ट पर है और सोनीपत से सबसे ज़्यादा किसान, पंजाब और हरियाणा के सोनीपत से सबसे ज़्यादा किसान जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट में, किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था, इसीलिए इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए अच्छा प्रदर्शन करना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 6 में से 5 सीटें, सीधा 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में महज 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों चरखी दादरी की बात की जाए, चरखी दादरी जो क्षेत्र है 2 सीटों पर यहां पर चुनाव होगा, बीजेपी के पास में 1 सीट और कांग्रेस के पास में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी यहां पर 50-50 है। विवान की बात करें तो विवान के 4 सीटों पर चुनाव है, 4 सीटें जो है इस विधानसभा क्षेत्र से है, बीजेपी के खाते में यहां पर
3 सीटें जा सकती हैं, यानी विवान का जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी की पकड़ अच्छी खासी है। यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर जो है आगे नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। अब इसके बाद दोस्तों फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद के खाते में 3 सीटें हैं, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 3 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। जेजेपी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी शून्य पर है। पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला के 2 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव है। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 2 सीटें हैं, 50-50 है, बीजेपी के पास 1 सीट और कांग्रेस के पास 1 सीट, लेकिन यहाँ पर जीत की जो मार्जिन होगी ना दोस्तों वो एकदम यहां पर कांटे का मुकाबला है। जीत की जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, 1000-2000 सीटों के अंतर से जो है यहां पर बीजेपी जो है 1 सीट कांग्रेस के झोले से लेकर के जाएगी। अंबाला की बात करें, अंबाला विधानसभा क्षेत्र की 4 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2-3 सीटें और आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट जीत सकती है। अगर 1 सीट जीत गई तो कांग्रेस के खेमे से, कांग्रेस के खाते से 1 सीट का डेंट जो है कांग्रेस को लगेगा। वही बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के 4 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। यहां भी अधिक मार्जिन के अंतर से बीजेपी जो है कांग्रेस को पछाड़ नहीं सकती, यहां 50-50 का रेशियो जो है नतीजे में देखा जा सकता है। बीजेपी 2 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं रोहतक विधानसभा क्षेत्र की। रोहतक जो है वो चर्चा का, लोकसभा चुनाव में ही चर्चा का विषय बना रहा। रोहतक विधानसभा के 4 सीटों पर चुनाव है, यहां भी 50-50 का मुकाबला है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब झाझर की बात करें तो झाझर विधानसभा के 4 सीटों पर चुनाव है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और यहां पर जेजेपी जो है खाता खोलती हुई नजर आ रही है। इसमें से 1 सीट जो है वो जेजेपी लेकर के जा सकती है। दोस्तों यहीं पर पलवल की बात करें तो पलवल विधानसभा क्षेत्र के 3 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी के खाते में यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां पर सिर्फ खाता खोलेगी 1 सीट के साथ, जेजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी बीजेपी और जेजेपी के बीच यहां पर कांटे का मुकाबला है। जो पलवल सीट है या तो बीजेपी के पास 2 सीटें जेजेपी शून्य, या जेजेपी के पास 1 सीट बीजेपी के पास 1 सीट और कांग्रेस के पास 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं जींद की। जींद विधानसभा में 5 सीटों पर चुनाव है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया कि पलवल का जो हाल है, जींद का भी वही हाल है। यहां पर जेजेपी अगर 1 सीट जीतती है तो डेंट बीजेपी को लगेगा, अगर जेजेपी शून्य पर रहती है तो बीजेपी को 1 सीट का बढ़त हो सकता है। अब दोस्तों आखिरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में पिछले कुछ समय में हमने देखा डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुई है, लेकिन फरीदाबाद अर्बन और फरीदाबाद जो रूरल एरिया है उसको मिलाकर के ये फरीदाबाद का पूरा क्षेत्र है, जिसमें 6 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी अगर अर्बन की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीटों पर जो है बीजेपी को बढ़त है, कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर, जो रूरल एरिया है वहां पर कांग्रेस की पकड़ अच्छी खासी है। फरीदाबाद के रूरल एरिया की बात की जाए तो कांग्रेस 2 सीटें यहां से जीत करके लेके जाएगी और जेजेपी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी को हरियाणा चुनाव में देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक बड़ा डेंट लगने जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि मोदी और अमित शाह ने बकायदा चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है कि कैसे भी करके हरियाणा चुनाव को 1 अक्टूबर के लिए रद्द किया जाए, 1 अक्टूबर की जगह जो है हरियाणा चुनाव को थोड़ा सा और पीछे किया जाए और महाराष्ट्र चुनाव के साथ हरियाणा का चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो अभी की परिस्थिति है, ये पहला ओपिनियन पोल है देशनीति, इसके बाद लगातार अब तक ओपिनियन पोल हर हफ्ते में हर 3-4 दिन बाद पहुँचाएगा, क्योंकि ये अभी का जो स्थिति है उसके मुताबिक इस ओपिनियन पोल को बनाया गया है। हो सकता है इसमें बढ़त हो सकता है इसमें कमी हो, कांग्रेस की बढ़त हो सकती है, बीजेपी की बढ़त आगे चल के हो सकती है, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अंदर खाने से खबर ये है कि इस
सर्वे के बाद, तमाम तरह के ओपिनियन पोल्स आने के बाद, बीजेपी आलाकमान की रूह जो है ना वो कांप उठी है। वो कहीं ना कहीं अनुरोध कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि 1 अक्टूबर के जगह थोड़ा और इस चुनाव को पीछे किया जाए। तो कुल मिलाकर के देखें दोस्तों, तो 90 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगते हुए देशनीति का जो पहला ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक बीजेपी के खाते में 27 से 29 सीटें यानी 30 का भी आंकड़ा बीजेपी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। फर्स्ट ओपिनियन पोल में बीजेपी के खाते में 27 से 29 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 53 से 55 सीटें 53 to 55 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर है और जेजेपी 4 सीटों पर। पिछली बार जेजेपी 10 सीटें लेकर के आई, लेकिन 4.5 साल से जिस तरह से जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर के सरकार चलाया उसे देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के पास जो है जेजेपी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो चुका है और जेजेपी 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। यानी देशनीति का पहला ओपिनियन पोल हरियाणा चुनाव पर, 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, उससे ठीक 1 महीने पहले देशनीति का ये ओपिनियन पोल कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस जो है वो 55 सीटों के साथ, 53 से 55 सीटों के साथ जो है सरकार बनाती हुई हरियाणा में नजर आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी, मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी, शाह की चाणक्य नीति, हर कुछ आज फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है 90 सीटों में से क्या बीजेपी वाकई 30 सीटें भी हासिल कर पाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके इसके लिए देशनीति को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।